How are you? Hope you all are fine. And I'm also fine. So today we are going to discuss about fractions. Okay, आज हम लोग fractions के बारे में पढ़ेंगे. What is a fraction? Fraction is a part of a whole. Fraction क्या होता है? किसी भी whole का एक part होता है. ठीक है? Like 1/4, 3/6, 7/8. तो ये क्या है? हमारे एक whole के parts हैं. ठीक है? यहाँ पे हम लोग कुछ टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे. 6 टाइप्स मैंने यहाँ पे राइट करे हैं. उसमें से जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उससे रिलेटेड हम लोग एक और पार्ट इसका राइट करेंगे, जिसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस. ठीक है? सो फर्स्ट पार्ट इज लाइक फ्रैक्शन. व्हाट इज ए लाइक फ्रैक्शन? इन दिस द डिनोमिनेटर्स आर सेम. ठीक है? यहाँ पे हमारे पास में क्या होते हैं, जो डिनोमिनेटर्स होंगे हमारे फ्रैक्शन के वो क्या होंगे, सेम होंगे. लाइक 5 है तो 5 ही रहेगा सबका डिनोमिनेटर. ठीक है? इस तरीके से इक्वल इक्वल यानी कि सेम सेम हमारे डिनोमिनेटर्स रहेंगे. फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस. जिनमें हमारे जो डिनोमिनेटर्स है, इट मीन्स नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, उनको हम लोग बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस. ओके? एंड थर्ड इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. जब भी हम हमारे फ्रैक्शन के अंदर न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो भी फ्रैक्शन बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ओके? फोर्थ इज प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके? प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन वो वाले फ्रैक्शन होते हैं जिनके अंदर हमारा जो न्यूमेरेटर है वो डिनोमिनेटर से स्मॉल होता है. ठीक है? इन दिस द न्यूमेरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर. ओके? नेक्स्ट है हमारे पास में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसके अंदर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो हमारे न्यूमरेटर से स्मॉल होता है. ओके? नेक्स्ट इज यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन कौन से फ्रैक्शन होते हैं? जिनके अंदर हमारे जो न्यूमरेटर्स है वो सारे कितने होते हैं? 1, 1, 1 होते हैं. इट मीन्स सेम सेम डिनोमिनेटर्स होते हैं. ओके? अगर आप लोग वीडियोस देखना चाहते हो कि इनकी जो डेफिनेशंस है वो मैंने दूसरे वीडियो में कंप्लीट कवर कर रखी है, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं. ठीक है? अभी हम लोग देखते हैं इनको कंपेयर करना. ठीक है? हाउ टू कंपेयर, हाउ टू कंपेयर फ्रैक्शंस. ओके? हम लोग फ्रैक्शंस को किस तरीके से कंपेयर करेंगे? यहाँ पे हमारे पास में टू टाइप्स होते हैं कंपेयर करने के लिए. एक फ्रैक्शन जिनके अंदर हमारा न्यूमेरेटर स्मॉल होता है और डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है. न्यूमेरेटर स्मॉलर देन डिनोमिनेटर. ठीक है? जिनके अंदर हमारा जो न्यूमेरेटर है वो डिनोमिनेटर से स्मॉल होता है, तो उनको हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे? इनको कंपेयर करने के लिए लाइक हमारे पास में फ्रैक्शन है 5/8. ठीक है? और दूसरा फ्रैक्शन है हमारे पास में 7/6. ठीक है? ये हमारे पास में क्या है? दो फ्रैक्शन है. ठीक? पहले हम लोग नॉर्मल फ्रैक्शन ले लेते हैं. लाइक यहाँ पे भी सेम डिनोमिनेटर है, दोनों में सेम डिनोमिनेटर है पहले हमारे पास में. तो इनको हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे? इसमें जिसका न्यूमेरेटर ग्रेटर होगा वो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा? ग्रेटर फ्रैक्शन होगा. ठीक है? लाइक यहाँ पे 5 है हमारा न्यूमेरेटर और यहाँ पे कितना है? 7. तो ये वाला फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा? ग्रेटर फ्रैक्शन हो जाएगा. ठीक है? जिसमें हमारा न्यूमेरेटर स्मॉल होता है और डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा, उसको हम लोग इस तरीके से कंपेयर करेंगे. एक तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया. सेकेंड, अगर हम लोग बात करें, जैसे अभी मैंने यहाँ पे राइट किया था 5/8 एंड 7/6, इनको हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे? यहाँ पे तो हमारे डिनोमिनेटर्स भी डिफरेंट डिफरेंट है, तो इनको कंपेयर करने के तो हमें इन दोनों को कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये हमारे जो डिनोमिनेटर्स है उनका हमें एलसीएम फाइंड करना होगा. इन दोनों का अगर हम 8 एंड 6 का एलसीएम फाइंड करते हैं तो वो आता है हमारा 24. एलसीएम ऑफ 8 एंड 6, तो उसका आंसर आ जाएगा 24. हमें इन दोनों डिनोमिनेटर्स को क्या बनाना है? 24 बनाना है. अब 8 को हम लोग 24 कब बना सकते हैं? 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 को जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 24.
मल्टीप्लाई बाय 3 एंड यहाँ पे हमारे पास में 7/6 है, तो 6 को हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो मैंने डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जब हम इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तभी हमारी वैल्यू क्या रह पाएगी, बिल्कुल सेम रह पाएगी। ठीक है, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सॉल्व करो, 5 3 15, 8 3 24, एंड हियर इज 7 4 28 एंड 6 4 24। जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा वही फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर फ्रैक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या आ गई, ये वैल्यू कंप्लीट कवर्ड आ गई। इन दोनों में हमारा जो फ्रैक्शन है वो इस तरीके से हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इनको कंपेयर करने के हमारे पास में ये फॉर्मूला है। ठीक है, अभी आप लोग क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट अगर डिनोमिनेटर आ जाए तो उनको भी क्या कर सकते हैं हम लोग, कंपेयर कर सकते हैं। सेकेंड चीज है हमारे पास में कि जो डिनोमिनेटर है अगर वो हमारे न्यूमरेटर से स्मॉल होता है तब क्या करते हैं। ठीक है, लाइक अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन, सबसे पहले 8/5 एंड सेकंड इज 8/3। इन दोनों को हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे, इसके अंदर जिसका डिनोमिनेटर स्मॉल होगा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे स्मॉल होगा वो फ्रैक्शन हमारा क्या होगा, सबसे स्मॉलर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे राइट करूं तो इसके अंदर ये वाला फ्रैक्शन इस तरीके से आएगा। देखिए इसके अंदर बिल्कुल डिफरेंट है, उसमें क्या था, जिसका न्यूमरेटर सबसे ग्रेटर था वो फ्रैक्शन भी हमारा ग्रेटर फ्रैक्शन था, लेकिन इसके अंदर जिसका डिनोमिनेटर सबसे स्मॉल होगा वो फ्रैक्शन सबसे ग्रेटर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया 8/3 हमारा क्या है, ग्रेटर फ्रैक्शन है। इस तरीके से सेकेंड अगर हम लोग कोई भी एग्जाम्पल लेके चले, लाइक 24/10 एंड 24/15, तो इसके अंदर हमारा जो फ्रैक्शन है वो ग्रेटर कौन सा वाला होगा, ये वाला, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है, स्मॉल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपने जो फ्रैक्शंस हैं उनको कंपेयर भी कर सकते हो। बात होती है यूनिट फ्रैक्शन की, तो यूनिट फ्रैक्शन कौन कौन से होते हैं जिनमें हमारा से जो न्यूमरेटर है वो कितना रहता है, ओनली 1, तो 1/5, 1/6, 1/4, ये सारे कैसे हमारे यूनिट फ्रैक्शन है। ठीक है, डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है लेकिन हमारा जो न्यूमरेटर है वो हमेशा कितना रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, इसका हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, आई होप दिस इज मच हेल्पफुल टू यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।